हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में मैंने यूट्यूब पेमेंट रिवील कर दी कि मेरी यूट्यूब से अभी कितनी क्या पेमेंट आई है और इससे पहले कितनी क्या पेमेंट आती है, सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। अगर आप में से किसी ने कल का ब्लॉग नहीं देखा यूट्यूब पेमेंट वाला, तो जाकर देखना आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 9:30, देख सकते हो 9:30 बज गई है और घर में अभी सिर्फ मैं ही हूँ। देख सकते हो पूरा घर खाली खाली सा दिख रहा है, क्योंकि मम्मी बिट्टू तन्नू आस पड़ोस में कहीं चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मम्मी आ रही, मम्मी कहाँ बाहर बैठे गए हो यार, इतनी गर्मी हो रही है और कहाँ चले जाते हो? हवा में जरा बैठना गया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हो गया है बुधवार और आज क्या है? बाजार है। और कल मैंने आपको यूट्यूब पेमेंट दे दिए। बिट्टू तन्नू को हाँ छोड़ के आगे मम्मी उनको घर लेके आया करो ना। कहाँ छाव में खेल रहे, उल्टी सीधी हरकतें करते, बाहर कभी खेलने जाते ना फिर ऐसे में बिगड़ते हैं बच्चे। मम्मी आपने दूध रखा ही नहीं फ्रिज में। मम्मी उसमें से दूध पीने वाला कौन सा है? दूध पीने वाला कौन सा? थाली वाला, थाली रखे ले वो पीने वाला है। कल चली आप लोगों को मैंने घर से बाहर जाने से मना करा है ना, फालतू नहीं जाना है, ऐसे नहीं बैठा इतना। इधर आ छोड़ी जल्दी आ। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, यार से बोलो अच्छे से गुड मॉर्निंग। और बोलो आगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? बेटा बोलो, बेटा अच्छे से बोलते हो। बिट्टू बहुत अच्छे से करता है ना बिट्टू। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, कोई काम बोली तो यार। गुड मॉर्निंग गाइस, आप तो ठीक ही होंगे। बस यही एक लाइन इसकी, मैंने कभी भी देखना आप लोग बिट्टू को जब भी ब्लॉग करना है चाहेगा या कुछ भी बोलना चाहेगा, एक लाइन सबसे पहले बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप तो ठीक ही होंगे। अच्छा ये गाइस, आप लोग हमेशा ठीक ही रहो। हमारे यहाँ का कूलर भी खराब हो गया है, खरगोन वरगुन जाता हूँ और फटाक से ना उसको ठीक करवा के ले जाता हूँ, वरना बहुत दिक्कत आती है ना। थोड़ी क्योंकि इनको ना कूलर में सोने की आदत है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो कूलर में ही सोते हैं। बाबू को कितनी तारीख है? शायद 1 तारीख हो गई। अरे मैं तो भूल ही गया था, आज 1 तारीख हो गई, कल तो बाबू का बर्थडे गाइस, आप लोग भी विश करना हमारे बाबू को। और बाबू ये ब्लॉग देख रहा था, बाबू वैसे भी ये ब्लॉग ना 2 तारीख को ही अपलोड होगा, बना रहा हूँ 1 तारीख को लेकिन ये अपलोड 2 तारीख को होगा, तभी हम लोग सब मिल के हमारे बाबू को विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबू, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। अपन खाएंगे नहीं यार, तो बाबू का बर्थडे तो वहाँ पे सब पार्टी वार्टी करेंगे। अपन बोलेंगे बुआ को कि वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे, ठीक है? किसका? अरे ऐसे नहीं होता बेटा, जिस दिन बर्थडे होता है ना उसी दिन मनाते हैं। मम्मी ओ मम्मी, फिर भी तुम लोगों का बर्थडे डेट सबको याद है? हम लोग कब पैदा हुए थे क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता है। हाँ कुछ भी बता नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मम्मी फिर भी 5वीं तक पढ़ी लिखी है, मम्मी ने फिर भी 5वीं तक पढ़ाई करी है। वो पापा तो पढ़े लिखे नहीं थे, दादा दादी थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, कोई भी घर में पढ़ा लिखा नहीं था ना, तो किसी कब पैदा हुआ, किसका कोई जन्म डेट, किसी की कोई भी याद नहीं है। वो स्कूल में जो भी डेट वहाँ लिखा गई उसके हिसाब से ही चल रहे, स्कूल में लिखी हुई उसके हिसाब से बर्थडे मना लेते हैं। और अभी मेरा हाथ दुखने लग गया गाइस, थोड़ी देर से ब्लॉग बनाऊंगा कि बिट्टू बना रहा है। ले पकड़, गुड मॉर्निंग गाइस, साइड में थोड़ा और पकड़। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? तो ठीक होंगे। और अभी काका यहाँ पर बैठे हुए हैं और दादी वहाँ पर बैठे हुए हैं और तन्ना ये बैठी हुई है, तो गुड मॉर्निंग बोला दोनों के दोनों। गुड मॉर्निंग गाइस, आप भी बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट करो। मैंने तो आपको पहले बोल दिया था गुड मॉर्निंग, आप तो पहले ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया था कि बिट्टू जब भी ब्लॉग करता है या कुछ भी बोलने के लिए बोलते हैं तो सिर्फ एक लाइन बोलता है वो,
गुड मॉर्निंग गाइस, आप तो ठीक ही होंगे गाइस, आप ठीक ही रहा करो और हमारे ब्लॉग को देखा करो और प्यारे प्यारे से कमेंट किया करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो। तो गाइस अभी आया है कमल, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम पर गया, लेकिन गया तो था और लंबी सफर गया था और घर पे नहीं बता के भी नहीं जाता, ऐसा करता है। कहीं भी जाए ना तो घर पे बता देना चाहिए मम्मी को। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काम पर गया होगा, अभी बताता हूँ ये कहाँ गया था। ये देखो कैसी हालत करके आया, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि काम पर से आया हो। फिर आग इतनी लाल कैसे हो गई, कहाँ से आ रहा? सनावत। सनावत सनावत चले गया मम्मी और आपको बताया भी नहीं, इसको समझाया करो, चिल्लाया करो, कभी भी एक फोन कर देना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। हमको तो ऐसा लगा कि काम पर गया होगा। वाह सही है, खाना भूलता है कहाँ से? पिकअप लेके गए थे, चला लेता पिकअप भी। हम भी चला लेते, ये भी चला लेते, सिखा दिया कमल को, इसको भी बिट्टू को। कितना बड़ा फेकू है यार बिट्टू, और ये कितनी बड़ी खादड़ी है। अगर अपन पिकअप ले आए, नहीं या कहीं भी अगर अपन पिकअप ले आए तो उससे कमाई हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, पर ज़्यादा पिकअप में भी ऐसा रहता है, ज़्यादा अगर भर ले तो पलट जाती है। भाड़ा भरो लेकिन नॉर्मली, ज़्यादा नहीं भरो, थोड़ा थोड़ा ही भरो। लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको ओवरलोड भर लेते हैं ना, फिर वो पलट जाती है। तो कभी भी ओवरलोड नहीं भरना, ज़्यादा कमाई के चक्कर में ओवरलोड भरोगे ना तो वो पलट जाती है। मैंने बहुत सारी पिकअप उनको पलटते देखा है, इस वजह से कोई भी वाहन को ना एकदम शांति से चलाओ और ज़्यादा ओवरलोड मत करो, उसमें फ़ायदा है। बड़वा कितनी दूर से जा रहा है? कौन सा बड़वा? अपन क्यों गए थे? अरे महेश्वर मंडलेश्वर से नहीं खाता अपन? मुझे नहीं याद है, क्यों गए? क्यों थे? हमने लड़के देखे ना, तेरे लिए देखने गए तब ना। अरे हाँ यार, पिछला ब्लॉग गए, अगर आप में से किसी ने देखे होंगे, जब कमल के लिए हम रिश्ता वगैरह देखने जाते थे ना, तो हम लोग उधर गए थे, उधर ही गया था सनावत तरफ। सनावत तरफ गया था ना? सनावत। अच्छा कितने किलोमीटर से? खरगोन से। तो सुबह से निकल गए थे तभी तो। बचपन से ज्यादा। हाँ क्या हुआ? अरे बाजार का पैसा ना, बाजार का। कमल गया था ना काम पर, उससे मांगो ना। अभी आधे घंटे बाद किया। कितने दिन काम चला अभी तेरा? चार दिन के कितने पैसे हुए? 1200। 300 रुपये रोज? अगर ऐसा रेगुलर काम चले तो अच्छा रहे यार। अभी रोज चालू होगा ना? होगा काम शुरू रेगुलर? है एक डेढ़ साल, डेढ़ एक साल हो गया ना सही काम नहीं चला ना, डेढ़ दो साल हो गया ना। अगर डेढ़ दो साल तक अगर रेगुलर अच्छे से, रेगुलर नहीं भी चलता फिर भी अगर अच्छे से काम चलता तो अपने को इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर कमल, अगर नॉर्मल सिर्फ बाजार के पैसे अगर संभाल ले ना, कि बाजार का खर्चा अगर निकाल ले, तो जो भी मेरी इनकम आती है वो पूरी इकट्ठी होते जाए, और कमल की कमाई नहीं हो पाती और जो मेरे पैसे आते वो भी पूरे खर्चे हो जाते हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बट कोई ना, अभी धीरे धीरे इसका काम शुरू हो गया है। हेलो, कितने? 1000 रुपये लगते हैं मम्मी के हफ्ते के। बिट्टू आवाज़ कम कर उसका। 1500 के दूध वाले हो जाते हैं। दूध वाले के हफ्ते के ना मम्मी? हाँ। एक हफ्ते के दूध के ना? हाँ। एक मतलब एक सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि एक महीने में तुम 350 रुपये का दूध लेते हो, मतलब 10 रुपये रोज का दूध लेते हो। 10 रुपये का 50 से 60 रुपये का दूध आता है एक दिन में। 50 रुपये का रोज दूध आता है, 350 रुपये हफ्ते का बनता है। हाँ 350 तो दूध के हो जाते हैं, उसके बाद में बचते हैं थोड़ा बहुत पैसे वो घर खर्चे में, और रेगुलर जो कभी छोटा मोटा खर्चे होते रहता है, कभी ये इनका करे कुर करे, जूस पीते हैं, गन्ने वन्ने के जूस पीते हैं, ये दोनों के दोनों। कल से आधा था गिलास पीने लग गई, दो गिलास दिमाग एक गिलास। हाँ मम्मी अभी ना थोड़ी बचत करते चलते हैं अपन, खर्चे में थोड़ा अगर अपन वो करेंगे ना, मतलब खर्चे करेंगे लेकिन जो जरूरत का सामान होगा वही खरीदेंगे। क्यों? हाँ तो गर्म हो जाता है, और अभी ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सो गाइस हो गया इस ब्लॉग का भी एंड करने का टाइम, मेरी एडिटिंग वगैरह सब हो गई है। तो गाइस बताना आपको आज का ब्लॉग कैसे क्या लगा,
अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। साइड में देखो मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और जैसे कि अभी जो भी चल रहा है सिचुएशन जो भी चल रही है, बस आप लोगों ने अपना प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो ताकि सब कुछ सही हो जाए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।